हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स आई एम वृशाली मैम फ्रॉम व्हीम एकेडमी क्लासेस नासिक हम देख रहे हैं हमारे इलेवेंथ साइंस का केमिस्ट्री देख रहे हैं चैप्टर नंबर एट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन एंड टू तो ग्रुप वन है हमारा अल्कली मेटल और ग्रुप टू है अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है आज का लेक्चर नंबर टू आज के लेक्चर में भी हम हाइड्रोजन को ही डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन का एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें हमने ऑकरेंस पोजिशन आइसोटोप और प्रिपरेशन के बारे में बात की थी आज का ये पार्ट टू इसका ही आज हमें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है हाइड्रोजन खत्म होने के बाद हम देखेंगे ग्रुप वन और ग्रुप टू का थोड़ा सा डिस्कशन क्योंकि हाइड्रोजन को थोड़ा सा सेपरेटली ट्रीट किया जाता है बिकॉज ऑफ मेनी प्रॉपर्टी तो लास्ट डेट लेक्चर में जैसे डिस्कस किया था ये ग्रुप वन के भी प्रॉपर्टी दिखाता है और ग्रुप सेवनटीन के भी दिखाता है इसकी वजह से तो चलो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन पार्ट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस लेक्चर नंबर टू चैप्टर नंबर एट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन दैट इज अल्कली मेटल एंड ग्रुप टू अल्कलाइन अर्थ मेटल विथ व्ही एम अकेडमी नासिक ये हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है जिसे हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं और ये एक थेरोटिकल टॉपिक है तो इसके लिए आपने मॉडर्न पीरियॉडिक टेबल का जो टॉपिक है वो अच्छे से देखना जरूरी है तभी इसके सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएंगे तो पहले उसे कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से दो तीन बार देख के नोट्स बना लीजिए फिर इसे देखना चलो तो चलो तो फिर, 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 फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं हाइड्रोजन के इस पर क्वेश्चन भी आता है कभी कभी क्वेश्चन होते हैं स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइड्रोजन दो मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे हाइड्रोजन के या डाई हाइड्रोजन के एच टू के प्रॉपर्टीज है तो सबसे पहले कि ये जो गैस फॉर्म है और ये कलरलेस गैस है तो ये कलरलेस क्या होगा कलरलेस होगा उसके साथ इसकी कोई अपनी टेस्ट नहीं है तो ये एक टेस्टलेस है कलरलेस है और इसे कोई स्मेल भी नहीं है स्पेसिफिक स्मेल भी नहीं है तो ये ओडरलेस क्या होगा गैस होगा तो सब सबसे सब सब पहला पॉइंट हम क्या आप क्या लिख सकते हो H2 टू इज कलरलेस टेस्टलेस एंड ओडरलेस गैस दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, ये जब बर्न होता है तो इसका जो फ्लेम होता है वो होता है पेल ब्लू फ्लेम फ्लेम तो जब भी बर्न किया जाएगा इस गैस को तो पेल ब्लू कलर का क्या करता है ये फ्लेम से आ, कलर दिखाता है कभी आप लोगों ने अगर आपके गैस को देखा होगा घर के तो उसमें एल पी होता है और वो कलर देखो गैस का कैसे होता है वैसे ही जब ये बर्न होगा तो पेल ब्लू कलर का जो होगा थोड़ा सा ब्लू होगा लेकिन थोड़ा सा ब्लू फेंट वाला ब्लू होगा ऐसी फ्लेम से ये बर्न होता है उसके बाद ये नॉन पोलर है मतलब इसके पास कोवैलेंट बॉन्ड तो है लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड दो पोल नहीं फॉर्म कर सकता क्यों क्योंकि दोनों भी हाइड्रोजन है जो शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में तो दोनों सेम ही है अगर इलेक्ट्रॉन हाँ, की पेयर को दोनों मिलकर खींचते भी तो ये भी अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा ये भी खींचता है लेकिन क्या है जो भी स्ट्रेंथ होगी वो इक्वल होगी क्योंकि दोनों सेम है तो नॉन पोलर होगा ये उसके साथ साथ ये वाटर इंसोल्यूबल होता है ये गैस पानी में डिजॉल्व नहीं होता तो ये वाटर इंसोल्यूबल गैस होगा ओके और लास्ट पॉइंट है ये जो गैस होता है इट इज लाइट दैन एयर तो एयर से क्या होगा इसका जो होगा वेट कम है तो लाइट दैन एयर तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है एच टू के या फिर डाईहाइड्रोजन के कलरलेस गैस टेस्टलेस गैस ओडरलेस पेल ब्लू फ्लेम से बर्न होगा नॉन पोलर होता है वाटर इंसोलिबल गैस है और इट इज लाइट दैन द एयर तो चलो केमिकल प्रॉपर्टीज देखने हैं हमें डाईहाइड्रोजन के या एच टू भी कह सकते हो तो चार केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देखने हैं रिएक्शन विथ मेटल देखने हैं कि मेटल के साथ कैसे रिएक्ट होते है ओके दूसरा हमें देखना है रिएक्शन विथ डायऑक्सीजन तीसरा हमें देखना है रिएक्शन विथ हेलोजन और चौथा देखना है हमें रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एच टू तो हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग नेचर इसमें भी हमें तीन पॉइंट देखने हैं अनसेचुरेटेड बॉन्ड के साथ कैसे होगा उसके बाद हाइड्रो फॉर्म फॉर्मुलेशन कैसे होता है ऐसे हमें देखना है तो चलो पहला हम देखते रिएक्शन विथ मेटल्स कि हाइड्रोजन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करते इस पे कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्वेश्चन क्या होता है देखो ये तीन पॉइंट बाद में देखेंगे हम क्वेश्चन क्या होता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ मेटल ऑन हाइड्रोजन और वॉट इज द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन मेटल्स तो ऐसा क्वेश्चन आए तो मेटल हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट होते हैं वो हम देखते हैं तो सपोज एक मेटल ऐसे समझ लो कि यहाँ पे सोडियम मेटल है तो सोडियम क्या है मेटलिक फॉर्म में मतलब सॉलिड स्टेट में जब ये हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आता है डाई हाइड्रोजन जो गैसियस स्टेट में होगा तो यहाँ पे फॉर्म होता है टॉइस एन ए एच ये भी सॉलिड स्टेट में होता है और इसे कहा जाता है हाइड्राइड तो ये क्या फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्राइड को क्या करेगा फॉर्म करेगा तो यहाँ पे ये जो था ये था सोडियम मेटल metal था मेटलिक फॉर्म में और ये रिएक्ट हुआ है हाइड्रोजन के साथ तो ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं होगी इन दोनों को थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा हीट करना पड़ेगा तो ट्रायंगल हीटिंग का सिंबल होता है वो तो पता होगा तो क्या होगा डाई हाइड्रोजन कंबाइंस विद द ऑल रिएक्टिव मेटल्स तो सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है तो ग्रुप वन और ग्रुप टू के मेंबर जो होते हैं मेटल जो, जो होते हैं वो रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो रिएक्टिव मेटल के साथ एच टू क्या होता है यहाँ पे रिएक्ट होता है अल्कली मेटल के अपने खुद के मेंबर के साथ भी रिएक्ट होता है तो किसके साथ रिएक्ट हो सकता है वो यहाँ पे मैंने सोडियम लिखा उसके साथ कैल्शियम है उसके साथ उसके बाद यहाँ पे बेरेलियम है इसके साथ रिएक्ट हो सकता है एट हाई टेम्परेचर तो ऐसे जो रिएक्टिव मेटल है उनके साथ ये रिएक्ट होगा और यहाँ पे क्या बनाएगा मेटल हाइड्राइड्स बनाएगा तो सोडियम के साथ मिलके सोडियम हाइड्राइड बनाएगा कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्राइड बनता बेरियम के साथ बेरियम हाइड्राइड बनता तो ऐसे ये फॉर्म करता है तो डाई हाइड्रोजन कम्बाइन विद द मेटेलिक सोडियम एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म द सोडियम हाइड्रेट तो क्या तो तो रिएक्शन होगी जब भी डाई हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं फॉर्म होते हैं तो अभी आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन है पेज नंबर वन वन टू पे जस्ट थिंक करके कहा है उन्होंने उन्होंने एक रिएक्शन दी है टू एन ए प्लस एच टू ओ और यहाँ पे हीटिंग की वजह से फॉर्म होगा ट्वाइस ऑफ एन ए एच तो जो रिएक्शन अभी हमने देखी थी वही कि डाई हाइड्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट होकर मेटल हाइड्राइड को क्या करता है बनाता है अभी इस पे क्वेश्चन क्या है देखो इन द अबो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन विच एलिमेंट डज अंडर गो ऑक्सीडेशन एंड विच अंडर गो द रिडक्शन मतलब ये हमें फाइंड आउट करनी है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन तो रेडॉक्स रिएक्शन हमारा चैप्टर हो चुका है तो भूले तो नहीं होंगे ये तो एलिमेंट्री फॉर्म में इसलिए इसका ज़ीरो होगा ये भी मेटा मोलिक्यूल के फॉर्म में तो इसका भी एटोमिक जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा जीरो होगा यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का माइनस वन होगा क्यों माइनस वन होगा बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन मेटल के साथ तो हाइड्रोजन जब नॉन मेटल के साथ क्या होता है कॉम्बिनेशन में होता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस हो, होता है और जब ये मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में होता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है माइनस वन होता है ये हम रूल्स में देख चुके तो यहाँ पे इसका होगा माइनस वन तो इसका होगा प्लस वन तो देखो यहाँ पे दो चेंजेस दिखेंगे एक चेंज ये दिख रहा है मुझे और एक चेंज ये दिख रहा है मुझे तो चलो कौन से चेंजेस है वो देख लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जीरो से माइनस वन हुआ मतलब डिक्रीज हुआ है तो इसका क्या हुआ रिडक्शन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ जीरो से प्लस वन हुआ है मतलब इंक्रीज हुआ तो इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि हमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है वो क्वेश्चन पूछा था तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है कैन बी डिस्क्राइब बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से भी हम इसको एक बता सकते या इनको सेपरेट कर लो या फिर ऐसे भी हम क्या कर सकते बता सकते तो यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ तो इसका रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ है रिडक्शन हुआ है रिड्यूस हुआ है और जो सोडियम है उसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो ऐसे भी कभी कभी दूसरे चैप्टर का भी कुछ यहाँ पे ऐसे पूछ लेते सेकंड में देखना है रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन तो डाई ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन क्या होगी क्वेश्चन क्या होता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन ऑन डाई ऑक्सीजन तो देखो क्या होगा यहां ऑक्सीजन डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट और बाई हीटिंग ये क्या फॉर्म करता है वाटर फॉर्म करता है एंड द रिएक्शन इज हाइली एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है एक्जोथर्मिक होती है यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है जनरेट होती है तो दोनों रिएक्ट होके वाटर को फॉर्म करेंगे और डेल्टा एच कितना होगा यहाँ पे चेंज इन एनर्जी कितना होगा माइनस टू थर्टी फाइव किलोजूल पर मोल इतना होगा तो ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एच टू जो होता है एच टू मतलब क्या है हाइड्रोजन कोवैलेंटली बॉन्डेड विथ सेकंड हाइड्रोजन इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है ये क्या होती है बहुत ही ज्यादा होती है क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होगी अबाउट होती है फोर फोर थर्टी सिक्स पर मोल मतलब अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस डज नॉट ईजिली एट द अंडर नॉर्मल कंडीशन ये बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है अंडर नॉर्मल कंडीशन कभी भी नहीं होता इसीलिए अगर ये बॉन्ड हमें ब्रेक करना है तो हाई एनर्जी और कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है तभी ये क्या होता है ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये दूसरे कंपाउंड के साथ क्या होता है रिएक्ट हो सकता है तो एक स्ट्रांग बॉन्ड है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी डिसोसिएट मतलब ब्रेक करना अगर ये दो बॉन्ड को ब्रेक करना है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कितनी हीट की जरूरत पड़ती है 436 थर्टी सिक्स किलोजूल पर मूल इतनी हीट की जरूरत पड़ती है तभी हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है थर्ड हमें देखना है रिएक्शन विद द सॉरी थोड़ा ब्लर दिख रहा था रिएक्शन विथ हेलोजन तो आपको पता है हेलोजन किन को कहा जाता है ग्रुप सेवनटीन के जो मेंबर है उनको हेलोजन कहा जाता है जनरली उनको एक से डिनोट करते हैं फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन एंड आयोडीन ये चार क्या है रिएक्टिव हेलोजन से तो हेलोजन को X से डिनोट किया जाता है ग्रुप सेवनटीन के मेंबर होते हैं ये और इनका ये क्या होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो हेलोजन के साथ भी रिएक्ट होते हैं तो क्या होगी रिएक्शन जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे जो H2 होगा वो क्या होगा हेलोजन मतलब एक्स के साथ रिएक्ट होके यहाँ पे क्या बनाता है टू बनाता है ओके इसे कहा जाता है हाइड्रोजन हलाइड तो यह हाइड्रोजन हलाइड को क्या करेगा बनाएगा तो जब भी डायहाइड्रोजन यहाँ पे हेलोजन के साथ रिएक्ट होता है तब क्या बनता है यहाँ पे हाइड्रोजन हलाइड्स बनते हैं। तो चलो देखते कौन से कौन से हाइड्रोजन हलाइड्स बनने के चांसेस क्या क्या बन सकता है अगर एच टू के जगह पे हमने एफ टू यूज किया तो क्या होगा जानबूझ के दूसरा कलर यूज कर रही हूं मैं एफ टू तो यहाँ पे क्या बनेगा ट्वाइस ऑफ एच एफ तो हलड़ की जगह पे कौन सा वर्ड आ जाएगा यहाँ पे फ्लोराइड तो ये क्या है फ्लोरिन गैस एफ टू गैस कह सकते हैं इसे ओके अगर इसकी जगह पे सी एल टू यूज किया तो ये क्या बन जाएगा एच सी एल हाइड्रोजन क्लोराइड अगर यहाँ पे बी आर टू यूज किया तो क्या बन जाएगा एच बी आर हाइड्रोजन ब्रोमाइड अगर यहाँ पे हमने I2 यूज किया तो क्या बन जाएगा ये HI बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड तो कोई भी हलाइड हो जब ये H2 के साथ रिएक्ट होता है राय हाइड्रोजन है, के साथ तो ये क्या बनता है हाइड्रोजन हलाइड फ्लोरीन बनाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड क्लोरीन बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड ब्रोमीन बनाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड और आयोडीन बनाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड तो कौन कौन बन सकता है यहाँ पे एच बन सकता है एच बन सकता है एच बी आर बन सकता है और एच आई भी यहाँ पे बन सकता है बाय रिएक्टिंग विद द रिस्पेक्टिव हलाइट्स तो जिस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी वैसे क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड ऐसे क्या बनेंगे एसिडिक होते ये नेचर में ये यह कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे तो हाइड्रोजन रिएक्ट विथ फ्लोरिन तो फ्लोराइड बना दिया उसने यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये फ्लोरीन के साथ जब रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर बहुत कम हो होना चाहिए बहुत लोअर टेम्परेचर में रिएक्शन होती है माइनस टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस में क्या होती है फ्लोरीन के साथ रिएक्शन ये दिखाता है द रिएक्शन विथ आयोडीन रिक्वायर्ड द कैटालिस्ट तो अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन करनी है आईटो के साथ तो यहाँ पे हीटिंग की जरूरत मतलब टेम्परेचर कम करने की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है कैटेलिस्ट यूज करना पड़ता है जो रिएक्शन का रेट क्या कर देगा बढ़ा देगा तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ क्या हो सकता है डायहाइड्रोजन दिखाता है चलो अभी हमें चौथी जो प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी वो देखनी है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डायहाइड्रोजन तो डायहाइड्रोजन का जो रिड्यूसिंग नेचर है उसके बारे में बात करनी है मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा लेकिन वो दूसरे का रिडक्शन करेगा तो डायहाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्साइड्स एंड आयन तो ये क्या है ऑक्साइड्स एंड आयन को क्या करता है ये रिड्यूस करता है कौन एच टू तो एच टू क्या करेगा रिडक्शन करेगा किसका ऑक्साइड्स और आयन का तो इन दोनों का ये क्या करता है रिडक्शन करता है एंड लेस रिएक्टिव देन आयन ये क्या होता है ऐसे मेटल का भी रिएक्शन कर सकता है आयन, आ, आयन के साथ मेटल का भी रिडक्शन करता है लेकिन वो मेटल आयन से क्या होने चाहिए लेस रिएक्टिव होने चाहिए और करस्पोंडिंग नंबर ऑफ हाइड्रोजन मेटल्स इन एट मॉडरेट टेम्परेचर इसके साथ वो क्या है जो हेलोजन होते हैं हेलोजन का भी क्या कर सकता है रिडक्शन कर सकता है तो चलो देखो कैसे रिडक्शन करता है देखते हम यहाँ पे तो रिडक्शन करना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाना तो चलो कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं रिडक्शन के तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो सी यू पहले मेटल का देख रहे हैं हम मेटल का सी यू ओ ऑक्साइड भी कह सकते हो इसे ऑक्साइड का है पहले सी यू ओ एच टू ये कन्वर्ट हो जाएगा सी यू प्लस एच टू ओ में तो देखो यहाँ पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका प्लस टू था यहाँ पे ज़ीरो हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ डिक्रीज हुआ मतलब इसका क्या हुआ है रिडक्शन तो इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है और इसका क्या हुआ रिडक्शन हुआ मतलब हाइड्रोजन ने क्या कर दिया हाइड्रोजन ने यहाँ पे ये जो ऑक्साइड था इस ऑक्साइड का क्या कर दिया है रिडक्शन कर दिया ये पहला एग्जाम्पल था दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या दे सकते हैं Fe2O3 Fe2O3 4H2 ओ डाई हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट होके 3Fe फॉर्म करता है वो और 4H2O को फॉर्म करता है तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे तो ज़ीरो होगा क्योंकि एलिमेंट फॉर्म में तो कितना हो जाएगा थ्री टू जा यहाँ पर थ्री टू ज़ा सिक्स तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री है तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री से जीरो हुआ मतलब कम हुआ है तो यहाँ पे भी इसका क्या हुआ रिडक्शन हुआ एच टू के वजह से तो एच टू इसका भी क्या कर रहा है इस ऑक्साइड का भी क्या कर रहा है रिडक्शन कर रहा है और एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे देखो तीसरा हम देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे पी डी टू प्लस आयन का कहा है ना आयन का भी देख लेते पीडी टू प्लस प्लस एच टू ये गैसेस फॉर्म में ही होता है ऑलवेज तो यहाँ ये पी डी में कन्वर्ट होता है और ट्वाइस एच प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे देखो जितना चार्ज होता है उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और इसका जीरो होगा तो प्लस टू से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे इसका भी क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है तो ये सारा रिडक्शन किसके वजह से हो रहा है डायहाइड्रोजन की वजह से हो रहा है तो हम क्या कर कह सकते हैं डायहाइड्रोजन रिड्यूस द ऑक्साइड आयन सम मेटल्स लेस रिएक्टिव दैन आयन एंड करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ द हेलोजन मेटल्स एट द मॉडरेट टेम्परेचर इन सब का वो क्या कर सकते हैं रिडक्शन और खुद का उनका क्या होगा ऑक्सीडेशन और जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है दूसरों का रिडक्शन करने में हेल्प करते हैं उनको क्या कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट मतलब डायहाइड्रोजन एक्ट होगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट चलो इसी में हमें देखना है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइहाइड्रोजन में हमें देखना है यहाँ पे डी सॉरी हाइड्रोजनेशन तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था ऐसे कंपाउंड था इसे क्या कहा जाता है यहाँ पे ये वेजिटेबल ऑयल है ऐसे समझ लो तो ये वेजिटेबल ऑयल है यहाँ पे ये क्या है अनसेचूरेटेड है मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अगर इसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कर दें मतलब इसे हम हीट सॉरी सॉरी डाहाइड्रोजन के साथ इसे हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एज कैटलिस्ट तो क्या हो गए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन है यहाँ पे तो ये क्या होगा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होता है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होता है और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक होगा तो क्या होगा कार्बन कार्बन ये पहले के दो बॉन्ड थे उसके और यहाँ पे एक नया हाइड्रोजन ऐड हुआ यहाँ पे एक नया हाइड्रोजन ऐड हुआ इसे क्या कहा जाएगा हाइड्रोजनेशन तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है हाइड्रोजनेशन इज द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे क्या कहा जाता है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिज टू फॉर्म हाइड्रोजनेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड तो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया ये था अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इन टू सैचुरेटेड डबल बॉन्ड क्या हो चुका है अभी ब्रेक हो चुका है डबल बॉन्ड ब्रेक हो होकर क्या होगा देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या था डबल बॉन्ड था ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए थे वापस कर दिए यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन देखे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे टपक पड़ा और यहाँ पे आ गए तो दोनों हाइड्रोजन क्या होगा इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक करके वो नए बॉन्ड फॉर्म कर रहे तो ये बन जाएंगे नए बॉन्ड तो अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो चुका है सेचुरेटेड में मतलब सिंगल में इसे कहा जाता है हाइड्रोजनेशन जब हाइड्रोजन एच टू क्या करता है अनसेच्यूरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड कैटालिस्ट इस रिएक्शन को कहा जाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन तो ये एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ डज डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विथ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड टू गिव द यूजफुल कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट तो ये एक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे सैचुरेटेड अनसेचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है वेजिटेबल ऑयल तो वेजिटेबल ऑयल यहाँ पे सैचुरेटेड फैट में क्या हो चुका है कन्वर्ट हो चुका है तो ये एक यूजफुल रिएक्शन है तो पहली रिएक्शन क्या हो गई हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया और एक रिएक्शन देखते हैं इसकी सेकंड रिएक्शन क्या है देखो यहाँ पे उस रिएक्शन का नाम भी अलग है उसका रिएक्शन का नाम क्या है तो इस रिएक्शन को कहा जाता है हाइड्रोफॉर्म हाइड्रो फॉर्मिलेशन हाइड्रोफॉर्मिलेशन तो हाइड्रोफॉर्मिलेशन क्या होगा जो ओलेफिन्स होते हैं और इनके सब्सिक्वेंट रिडक्शन होता है अल्डिहाइड्स एंड अल्कोहल में तो क्या होगा देखो यहाँ पे यहाँ पे होगा आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू इनको कहा जाता है ओलेफिन इसकी रिएक्शन होगी एच टू के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तब ये क्या बनाता है आर सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच तो इसका नाम है बच्चों अल्डिहाइड तो हमें हमारा एक चैप्टर है जिसमें फंक्शनल ग्रुप देखने लें तो जब ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है अलडी कहा जाता है तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का इसे कहा जाएगा अलडी तो ओलेफिन क्या होता है एक बार अलडी में कन्वर्ट हो सकता है और यहाँ पे ये जो अल है इसका फॉर्मूला देखो सी एच टू आपके बुक में सी एच ओ लिखा है तो सी एच ओ और सी डबल बॉन्ड ओ एच ये दोनों का मीनिंग क्या है सेम ही है ये जब क्या होगा डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे बनता है आर सी एच टू सी एच टू सी एच टू ओ एच और जब ओ OH एच ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसे कहा जाता है अल्कोहल तो यहाँ पे अल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों भी बनते ही. इसे हम कहेंगे हाइड्रोफॉर्मिलेशन ये जो फॉर्मुल हाइड्रोजन था ये फॉर्मिल क्या हुआ H2 के साथ रिएक्ट होकर पहले उसने अल्डीहाइड बनाया फिर अल्डिहाइड भी डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके क्या बना रहा है यहाँ पे अल्कोहल को फॉर्म कर रहा है तो क्या इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लो सेकंड रिएक्शन को तो यहाँ पे ये दोनों भी एक ही रिएक्शन है ये पहला पार्ट है और ये उसका सेकंड पार्ट है पहले अल्डिहाइड बना फिर ये अल्डिहाइड क्या हुआ ये अल्डीहाइड ही डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके उसने क्या बना दिया अल्कोहल को यहाँ पे फॉर्म कर दिया कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन ऑफ ओलेफिंस यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल तो यहाँ पे सुटेबल एग्जाम्पल्स के तौर पे उन्होंने पूछा है तो हम भी एग्जाम्पल यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने जो आर यूज़ किया था आर मतलब कोई भी अल्किल ग्रुप सी एच थ्री हो सकता है सी टू एच फाइव हो सकता है सी थ्री एच सेवन हो सकता है तो ऐसा कोई भी ग्रुप यहाँ पे क्या होगा अटैच होगा तो ये ग्रुप यहाँ पे कन्वर्ट होगा तो उन्होंने अभी क्या पूछा है कि सूटेबल एग्जाम्पल से बताओ मतलब ऐसे आरमत यूज़ करो कोई भी सुटेबल एग्जाम्पल यूज़ करो ओलेफिन का जिससे हमें क्या है ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आए तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सी एच डबल बॉन्ड सी तो इसका नाम है बच्चों प्रोपिन तो जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को सब बताऊंगी कि कैसे नाम याद रखने ओलेफिन कहा जाता है इसकी रिएक्शन H2 और CO के साथ होगी तो पहले यहाँ पे अल्डिहाइड फॉर्म होगा तो कौन सा अल्डिहाइड फॉर्म होगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच ओ ये अल्डिहाइड है इसका नाम है ब्यूटरालीहाइड जब हम ट्वेल्थ में जाएंगे तो हमें अल्डिहाइड कीटोन करके पूरा चैप्टर पढ़ना है फिर सेकंडली क्या होगा ये जो ब्यूटर है ये H2 के साथ रिएक्ट होगा ओके okay, दूसरी रिएक्शन में डबल नहीं दिख रही हूँ यहाँ पे दिखा रही हूँ इसे ब्यूटैनल भी कहा जाता है हां। आई और कॉमन दो टाइप की नेमिंग होता है हमें देखना है तो इसे ब्यूटैनल कहा जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा देखो ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू तो ये है इसे कहा जाता है एन ब्यूटिल एन मतलब नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल या इसी का नाम होता है ब्यूटेन आई नेम ने में ये वन ओल जब अल्कोहल होता है तो उसे ओल से दिखाया जाता है इसे तो कहा जाता है ब्यूटेन वन ओल तो ऐसे सूटेबल एग्जाम्पल से भी हम क्या कर सकते हैं हाइड्रोफॉर्मुलेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं जहाँ पे प्रोपिन पहले यहाँ पे क्या किस में कन्वर्ट हुआ ब्यूटानल में कन्वर्ट हुआ और फिर ब्यूटेनल किस में कन्वर्ट हुआ एनब्यूटिल अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ इस रिएक्शन को कहेंगे हाइड्रोफॉर्मुलेशन ऑफ द ओलेफिन तो ये ओलेफिन था इसका हाइड्रोफॉर्मुलेशन हो गया है तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज तो चारों केमिकल प्रॉपर्टीज को हमने डिटेल में देख लिया है अभी हमें देखते हैं यूजेस ऑफ डायहाइड्रोजन क्या यूज है डायहाइड्रोजन तो का कहा यूज होता है डायहाइड्रोजन तो यूजेस कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ डायहाइड्रोजन एच टू कहा यूज होगा तो सबसे पहला है यहाँ पे ये यूज होता है इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया तो अमोनिया का प्रोडक्शन पता है हेबर्स प्रोसेस हैबर्स प्रोसेस में यूज़ होता है यहाँ पता है ना आप लोगों को स्कूल में था ना हैबर्स प्रोसेस तो हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है यहाँ पे N2 और H2 क्या होंगे रिएक्ट होंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे वो अमोनिया को बनाएंगे ओके तो यहाँ पे अमोनिया यहाँ पे बनता है नहीं N2 टू प्लस थ्री एच टू फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ एन तो अमोनिया के प्रोडक्शन में इसे यूज किया जाता है आप सिर्फ इतना लिखो अमोनिया का प्रोडक्शन मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको प्रोसेस का नाम भी बताया दूसरा यूज है इन द फॉर्मेशन ऑफ वनस्पति घी तो हमने जो फैट देखा था अनसेचुरेटेड फैट सैचुरेटेड फैट में जो कन्वर्ट हो चुका हमने जो ये, ये रिएक्शन देखी ना यहाँ पे जब H2 टू एड हुआ और ये कन्वर्ट हो गया ऐसे तो ये फैट में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे ये क्या था वेजिटेबल ऑयल था ये वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट हो गया है घी में वनस्पति घी जिसे हम कहते तो वनस्पति घी कोई घी नहीं होता वो ऑयली होता है उस पर सिर्फ क्या की जाती है प्रोसेस की जाती है तो इट इज़ यूज इन फॉर्मेशन ऑफ द वनस्पति घी जो मार्केट में मिलता है वो घी वो क्या है एक्चुअल एक प्रोसेस्ड क्या है ऑयल है तो उसे कभी यूज़ नहीं करना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं तो वनस्पति घी तो वनस्पति घी के प्रोडक्शन में इसको यूज़ किया जाता है उसके बाद आ, जो भी हाइड्रोजनेशन होता है ऑयल का तो उसमें भी यूज़ किया जाता है तो वनस्पति घी भी एक हाइड्रोजनेशन ही ऑयल का वैसे अदर रिएक्शन में भी इसे यूज़ किया जाएगा थर्ड है जो रॉकेट्स होते हैं रॉकेट्स के फ्यूल के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है तो रॉकेट में फ्यूल के लिए इसे यूज़ किया जाता है इसे ऑक्सीजन के साथ मतलब कौन सा यूज़ होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रॉकेट फ्यूल में क्या होता है यूज़ होता है तो इसे रॉकेट फ्यूल में भी यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट इसका है इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक मिथेनॉल मिथेनॉ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ओके okay, ये बहुत बल्क क्वांटिटी में क्या है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है डे टू डे लाइफ में भी यूज़ है और बहुत ज़्यादा तो कमर्शियली इसे बहुत बड़े अमाउंट में बनाया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है ट्वाइस ऑफ एच और सी के साथ यहाँ पे रिएक्शन होती है ये इन दोनों का नाम मैंने आप लोगों को बताया था वाटर गैस के ते यहाँ पे कोबाल्ट को यूज़ किया जाता है एज ए कैटलिस्ट और यहाँ पे फॉर्म होता है सी एच थ्री ओ एच जिसका नाम है मिथेनॉल तो मिथेनॉल कमर्शियली प्रिपेयर करने के लिए ये प्रोसेस को यूज़ किया जाता है जहाँ पर डाईहाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है और मिथेनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बहुत बल्क क्वान्टिटी में चाहिए होता है और बहुत ही ज़्यादा यूज है उसका नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है इसे यूज़ किया जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ एच तो एच के प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है उसके साथ साथ मेटल जो होते हैं हाइड्राइड तो मेटल हाइड्राइड्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हम आगे देखेंगे मेटल हाइड्राइड्स का यूज़ क्या है तो मेटल हाइड्राइड्स को प्रिपेयर करने के लिए भी एच को यूज़ किया जाता है और एच सी भी ये जो है सी एच ट्री ओ एच उसके जैसे बहुत ज़्यादा यूज़ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है इसे तो इसके प्रिपरेशन में भी एच को क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे डाई हाइड्रोजन के हमने पांच यूजेस देखे प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन ऑफ अनस्पति घी यूज एज रॉकेट फ्यूल विथ ऑक्सीजन गैस इन प्रिपरेशन ऑफ मिथानॉल इन प्रिपरेशन ऑफ एच सी एल एंड द मेटल हाइड्राइड्स इन सब के प्रिपरेशन में डाईहाइड्रोजन को यूज किया जाएगा इसपे बेसबी एक क्वेश्चन है जस्टिफाई द प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द ग्रुप ऑफ अल्कली मेटल हाइड्रोजन की जो पोजिशन है कहा पे ग्रुप वन में तो ग्रुप वन कौन सा होता है ग्रुप वन अल्कली मेटल कहा जाता है उनको तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है अल्कली मेटल इसके इसमें दिखाया जाता है इसको हेलोजन में नहीं दिखाया जाता दोनों जैसे प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दोनों जैसा प्रॉपर्टी दिखाता है इसे यहाँ पे प्लेस किया जाता है यहाँ पे प्लेस नहीं किया जाता इसका हमें रीजन बताना है कि क्या रीज़न है ऐसा ऐसा कि ग्रुप वन में उसे प्लेस किया गया हाइड्रोजन में प्लेस नहीं किया गया तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑन द रिएक्शन विद द एच टू मतलब हेलोजन के साथ जब वो रिएक्शन दिखाता है हेलोजन के साथ क्या रिएक्शन होगी देखो उसकी ये बनाता है यहाँ पे हाइड्रोजन हलाइड्स बनाता है तो जै, देखो जैसे एच और सी की अगर रिएक्शन होती है तो वहाँ पे टाइट ऑफ एच बनता है तो यहाँ पे क्या हुआ हैलोजन के साथ डाइहाइड्रोजन ने रिएक्शन की और यहाँ पे क्या बना है यहाँ पे हाइड्रोजन हलाइड बना तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बना सिमिलरली ये क्या है सोडियम के साथ भी रिएक्शन करता है और सोडियम भी Cl2 के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है NaCl तो दोनों ने सेमी तो रिएक्शन की ये भी ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है ये भी ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट हुआ तो एच बना और सोडियम क्लोरीन के साथ बना रिएक्ट uh, हुआ तो एन बना तो एच टू एंड अल्कली मेटल्स आर द मोनोवेलेंट एलिमेंट्स, ये मोनोवैलेंट एलिमेंट्स है एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन हेलोजन दोनों भी हेलोजन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में इसीलिए इन दोनों को इसे क्या है हाइड्रोजन तो को कहाँ पे पोजीशन मिली ग्रुप वन में मिली हेलोजन में नहीं मिली क्योंकि वो ग्रुप वन जैसा मोनोवैलेंट भी है और क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी कमी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो और हाइलोजन क्या होते इलेक्ट्रो निगेटिव होते हैं इसलिए उनको ग्रुप वन में पोजिशन मिली हेलोजन में पोजिशन नहीं मिली किसे हाइड्रोजन को तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं हाइड्रोजन तो पोजिशन या हाइड्रोजन की प्लेसमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही था बच्चों यहाँ पे जो हाइड्रोजन का टॉपिक था हमारा कंप्लीट हो चुका है जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है अभी हमें अल्कली मेटल्स जो है एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप टू मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों को डिस्कस करना है उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे हम ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ग्रुप वन ग्रुप टू उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ऐसे हम दोनों को कंपेयर करते जाएंगे डायगोनल रिलेशनशिप है इनकी कैसी होती डायगोनल रिलेशनशिप उस पे पॉइंट है उसके बाद यूजेस क्या है ग्रुप वन ग्रुप टू के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है एस ब्लॉक के सम कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका बहुत ज़्यादा यूज है तो कैसे बनते हैं क्या यूज़ है ऐसा पूरा चैप्टर हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है तो पढ़ते रहिए खुद का ख्याल रखिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों तो वीडियो को देखो आपके पास आपके नोट्स होंगे या टेक्स्ट बुक होगा उसमें से दोनों मिला के आप नोट्स बनाओ ये थेरोटिकल टॉपिक है तो थेरोटिकल टॉपिक के खुद से नोट्स बनाना बहुत जरूरी है तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा तो पढ़ो खुद का ख्याल रखो थैंक यू वेरी मच माई डियर स्टूडेंट्स